हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आज ऑनलाइन क्लास क्लास 9। टुडे वी आर स्टार्टिंग चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट मींस एंड ज्योमेट्री मींस, इसका पहले मतलब हम सीखेंगे। कोऑर्डिनेट मींस होता है एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग मेजरमेंट करना। कोई भी हमारे पास शेप हो सकती है, कर्व हो सकती है, लाइन हो सकती है उसमें। जियो मींस होता है अर्थ और मेट्री मींस होता है मेजरमेंट। इट मीन्स अर्थ पर जो जो भी चीज़ है, चाहे कर्व हो सकती है, लाइन हो सकती है, कोई भी शेप हो सकती है, उसकी स्टडी करना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाता है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जैसे जैसे जो ग्राफ के बारे में स्टडी करेंगे, ग्राफ क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ग्राफ का जो ये हमारे पास है, नंबर वन हम स्टडी करेंगे कार्टेशियन। कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम में हमारे पास ग्राफ बनाना है। एक हमें ग्राफ में हमारे पास ये क्या होता है, ये एक्स पॉजिटिव, एक्स डैश नेगेटिव, बीच में क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, दोनों जो इंटरसेक्ट करेगी वो हमारे पास ओरिजिन होगा। ये वाई एंड ये वाई डैश लाइन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये पॉजिटिव पार्ट एक्स का, ये नेगेटिव पार्ट, -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये नेगेटिव पार्ट। ऐसे ही वाई का पॉजिटिव पार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये वाई का नेगेटिव पार्ट, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, and so। अब देखिए जो कार्टेशियन सिस्टम है वो क्या कहते हैं, जो हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन हमारे पास कौन सी है, एक्स ओ एक्स डैश, एंड वर्टिकल लाइन इट मीन्स परपेंडिकुलर लाइन कौन सी हमारे पास, वाई ओ वाई डैश, हॉरिजेंटल लाइन एंड परपेंडिकुलर लाइन। हॉरिजेंटल और परपेंडिकुलर लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती है उसे हम बोलते हैं ओरिजिन। ये ओरिजिन होता है ओ। अब देखिए कार्टेशियन, इसे बोलते हैं हम कार्टेशियन सिस्टम, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन, एक्स ओ एक्स डैश हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई ओ वाई डैश परपेंडिकुलर लाइन, ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होगी उसे हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। अब देखिए ये फर्दर क्वाड्रेंट में भी डिवाइड करता है, देखिए इसके फोर्थ पार्ट होंगे हमारे, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये कौन सा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये कौन सा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। कार्टेशियन सिस्टम के अकॉर्डिंग एक्स जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है उसको पहले राइट करेंगे, कॉमा लगा के फिर वाई कोऑर्डिनेट हम राइट करते हैं, मतलब राइट करने का जो सिस्टम हमारे पास तो तरीका है, मेथड, एक्स को पहले और वाई को बाद में, और स्मॉल ब्रैकेट से क्लोज करेंगे। तो ये कोऑर्डिनेट राइट करने का एक सिस्टम है, एक्स कोऑर्डिनेट को आप पहले राइट करेंगे और वाई कोऑर्डिनेट को बाद में राइट करेंगे ऑलवेज। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स हमारे पास पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव, इट मीन्स प्लस कॉमा प्लस होगा, एक्स x पॉजिटिव कॉमा y पॉजिटिव प्लस कॉमा प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट के हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x हमारे पास नेगेटिव है इट मीन्स माइनस, कॉमा y हमारे पास क्या है इसमें, पॉजिटिव इट मीन्स प्लस, तो माइनस कॉमा प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट के कोऑर्डिनेट x नेगेटिव, y भी नेगेटिव हमारे पास, तो माइनस कॉमा माइनस थर्ड क्वाड्रेंट के कोऑर्डिनेट। ऐसे फोर्थ क्वाड्रेंट के कोऑर्डिनेट एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, तो प्लस कॉमा माइनस, ये फोर्थ क्वाड्रेंट के हमारे पास कोऑर्डिनेट होते हैं। ओके, इसके बाद एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करते हैं। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ टेबल लेंथ ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। टेबल लेंथ को आपको स्टडी करना है कि दूसरे पर्सन के साथ आप कैसे उसकी मेजरमेंट करोगे। टेबल लेंथ की पोजीशन देखिए, ए पॉइंट पर है हमारे पास, ये गिवन है हमारे पास
ए टू एम 20 सेंटीमीटर। तो ये मेजरमेंट देखिए, अगर ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, तो देखिए वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग जो ए एम जो मेजरमेंट है हमारे पास, ये वर्टिकल परपेंडिकुलर मेजरमेंट होगी। इट मीन्स 20 वाई एक्सिस गिवन, ये क्या गिवन है, वाई एक्सिस। अब हम अज्यूम कर लेते हैं सपोज ओ टू एम जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस की, ये इसको हम 10 सेंटीमीटर अज्यूम कर लेते हैं, सपोज ये 10 सेंटीमीटर है। तो हमारी जो मेजरमेंट है वो इसको हमने अज्यूम कर लिया 10 सेंटीमीटर और ये हमारे पास ये वाले ये 20 सेंटीमीटर है ए टू एम। इट मीन्स ये वाई होगा और ये क्या होगा, एक्स। तो कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग हम कैसे राइट करेंगे इसके कोऑर्डिनेट को, एक्स एक्सिस को पहले राइट करेंगे कॉमा वाई एक्सिस। तो राइट करने का जो मेथड होता है हमारे पास, एक्स कॉमा वाई होता है एंड स्मॉल ब्रैकेट से ओपन एंड क्लोज। तो एक्स जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है वो 10 कॉमा 20। तो टेबल लेंथ की जो पोजीशन होगी कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग वो होगी हमारे पास 10 कॉमा 20। इट मीन्स 10 जो एक्स एक्सिस है हमारे पास उसकी डिस्टेंस हमारे पास कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। और जो वाई एक्सिस है उस पॉइंट से, वाई एक्सिस उसी गिवन पॉइंट से जो टेबल लेंथ की पोजीशन है वाई एक्सिस परपेंडिकुलर जो लेंथ होगी वो क्या होगी, 20 सेंटीमीटर। तो जब भी हमको ऐसे राइट करते हैं, इट मीन्स जो फर्स्ट हमारे पास जो है नंबर वो एक्स एक्सिस को डिनोट करता है और सेकेंड नंबर वाई एक्सिस को डिनोट करता है।